हमारे चैनल से रोजाना अप टू डेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे चैनल के द्वारा लोड किए गए किसी वीडियो को मिस नहीं करने के लिए बेल बटन को भी दबा दें दोस्तों, यह बिल्कुल फ्री है। छठ पूजा के दिन माता छठी की पूजा की जाती है, जिन्हें वेदों के अनुसार उषा यानी छठी मैया कहा जाता है, जिन्हें शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव का पत्नी भी कहा गया है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा हैं। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातःकाल में सूर्य की पहली किरण अर्थात उषा और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ देकर दोनों को नमन किया जाता है। इसलिए इस दिन सूर्य देव का पूजा का महत्व पुराणों में निकलता है। इस पूजा के जरिए भगवान सूर्य देव को धन्यवाद दिया जाता है। सूर्य देव के कारण ही धरती पर जीवन संभव हो पाया है एवं सूर्य देव को अर्चना करने से मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। इन्हीं सब कारणों से प्रेरित होकर यह पूजा की जाती है। छठ पूजा दो बार मनाई जाती है, चैती छठ पूजा और कार्तिक छठ पूजा। यह चार दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है, जो कि चौथ से सप्तमी तक मनाया जाता है। इसे कार्तिक छठ पूजा कहा जाता है। इसके अलावा चैत माह में भी यह पर्व मनाया जाता है, जिसे चैती छठ पूजा कहा जाता है। यह पर्व खास करके बिहार में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार का इसे महापर्व कहा जाता है। यह खास तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं नेपाल में मनाया जाता है। यह दिन उत्सव की तरह हर्ष के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस व्रत के दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे तक व्रत रखते हैं। इस दौरान वो पानी भी ग्रहण नहीं करते। सबसे पहला दिन जो होता है चार दिनों में, वह पहला दिन होता है नहाय खाय का दिन। पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाय खाय के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। इसके बाद छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, व्रत शुरुआत करते हैं। और जब व्रतधारी भोजन कर लेते हैं, उसके बाद ही घर के सभी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। यह दाल चने की होती है। दूसरा दिन लोहंडा और खरना के नाम से जाना जाता है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को निमंत्रित किया जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल का खीर, जिसे कहीं कहीं रसिया भी कहा जाता है, के साथ दूध, चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को दिन में छठ का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिकरी भी कहा जाता है, के अलावे चावल के लड्डू और लड़ुआ भी बनाया जाता है। इसके अलावे चढ़ावा के रूप में लाया गया साचा और फल भी छठ प्रसाद के रूप में शामिल होते हैं। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्ध का सूप सजाया जाता है और व्रती के साथ पूरे परिवार और पड़ोस के लोग सूर्य को अर्ध देने यानी जल देने चल पड़ते हैं। सभी छठ व्रती एक नियत तालाब या नदी के किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से अर्धदान संपन्न करते हैं। सूर्य को जल और दूध देने को अर्ध दिया जाता है। छठी मैया की प्रसाद से भरे सूप से पूजा की जाती है। इस दौरान तालाब के किनारे, जिसे घाट भी कहा जाता है, काफ़ी भीड़ जम जाता है, जो देखने में एक मेला जैसा लगता है। चौथे और अंतिम दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदयमान सूरज को अर्घ दिया जाता है। छठ व्रती वहीं पुनः फिर से इकट्ठा होते हैं जहां वह पिछले संध्या को अर्घ दिए थे। पुनः पिछले शाम की प्रक्रिया को पुनरावृत्ति होती है। सभी व्रती और श्रद्धालु घर वापस आते हैं। व्रती घर वापस आकर गांव के पीपल के पेड़ के पास जाते हैं और वहां जाकर पूजा करते हैं। पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना भी कहा जाता है। छठ व्रत एक बहुत ही महान पर्व है, जिसे एक तपस्या की तरह करना होता है। यह दीपावली के
ठीक 6 या 7 दिन बाद मनाया जाता है। दीपावली समाप्त होने के तुरंत बाद लोग इसकी तैयारी में जुट जाते हैं, घर की साफ सफाई करने लगते हैं, बाजार में लोग टोकरी डल्ला वगैरह खरीदना चालू कर देते हैं। यह छठ व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा ही किया जाता है, परंतु कुछ पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। व्रत रखने वाली अधिकतर महिलाओं को परवैतिन कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। जो व्रत किए होते हैं उन्हें सोने के लिए रात में एक अलग कमरा दिया जाता है, जहां नीचे जमीन पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताना होता है। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं, जबकि जो व्रत किए होते हैं उन्हें बिना सिलाई किए हुआ कपड़ा पहना होता है। ऐसे में लेडीज को साड़ी पहनना होता है और पुरुष को धोती पहनकर छठ पर्व करना होता है। छठ पर्व को शुरू करने के बाद सालों तक इसे तब तक करना होता है जब तक अगली पीढ़ी के किसी विवाहित महिला इसके लिए तैयार नहीं हो जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर यह पर्व नहीं मनाया जाता है। छठ पर्व बिहार का महापर्व के रूप में मनाया जाता है। हालांकि यह उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में भी मनाया जाता है, लेकिन बिहार में छठ पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दूसरे राज्य भी जहां बिहार के लोग हैं या फिर दूसरे देश जहां बिहार के लोग हैं, वहां भी यह छठ पर्व करना नहीं भूलते हैं और वो करते हैं, और उन्हीं के देखा देखी दूसरे राज्य के लोग भी, दूसरे देश के लोग भी अब यह पर्व करने लगे हैं। बिहार राज्य के नालंदा जिले में औंगारी धाम छठ पर्व के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता रखने के लिए समान तौर पर महिलाएं यह व्रत करती हैं। पुरुष भी अपने मनोवांछित फल पाने के लिए यह व्रत करते हैं। महिलाएं यह व्रत करती हैं और मांगती हैं कि उनका घर परिवार सब सही सलामत रहे, पुत्र कहीं भी रहे कुशल मंगल से रहे, घर में समृद्धि और सुख शांति का बढ़ोतरी होता रहे। छठ पर्व पुत्र प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। इसके पीछे कहानी भी है। बहुत समय पहले एक राजा रानी हुआ करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा इससे बहुत दुखी थे। एक और महर्षि कश्यप उनके राज में आए। राजा ने उनकी खूब सेवा की। महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसके चलते रानी को 9 महीने के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन उनकी संतान मृत पैदा हुई, जिसके कारण राजा रानी अत्यंत दुखी थे और उन दोनों ने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। जैसे ही वे दोनों नदी में कूदने लगे, उन्हें छठी माता ने दर्शन दिया और कहा, आप मेरी पूजा करें जिससे आपको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। दोनों राजा रानी ने विधि के साथ छठ की पूजा की और उन्हें स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। तब से ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यह पूजा की जाती है। एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद रामराज की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में भी इससे संबंधित एक कहानी है कि जब पांडवों ने अपना सब कुछ जुए में गवा दिया था, तब द्रौपदी ने इस व्रत का पालन किया और वर्षों तक इसे नियमित करते रहे, जिसके बाद पांडवों को उनको सर्वस्व मिला था। इस प्रकार यह व्रत पुत्र रत्न के लिए भी किया जाता है और पारिवारिक खुशहाली के लिए भी किया जाता है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। सूर्यदेव आपके और आपके पूरे परिवार को खुशहाली बनाए रखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, किसी भी जॉब से संबंधित, स्टडी से संबंधित और टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बल्कि घंटा बटन भी क्लिक कर दें। जय छठी मैया।